देश के स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि हालात सुधर जाएं, जिसके मद्देनजर पूरे देश में पूर्णबंदी का दूसरा चरण जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में कांग्रेस ने सरकार के गुजरात मॉडल की हकीकत से जनता को रूबरू करवाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में पूर्णबंदी लागू है, जिससे सरकार मौजूदा परेशानी से निजात पाने का दम भर रही है, लेकिन ये तालाबंदी लोगों का दम भी निकाल रही है, क्योंकि इसके कारण कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें उनके गांव और घर पहुंचाने के लिए सरकार ने अब तक कोई योजना नहीं बनाई है। यही कारण है कि ये प्रवासी लोग अब जीना ही नहीं चाहते। जिस गुजरात मॉडल का बखान प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में करते नहीं थकते, वो मॉडल भी अब विफल होता नजर आ रहा है। जी हाँ, गुजरात में भी हालात खराब हो रहे हैं। गुजरात के एक स्थानीय अखबार के मुताबिक दो प्रवासी लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अखबार के मुताबिक तालाबंदी के चलते काम न होने और अपने घर लौटने में असमर्थ होने के दबाव में इन दोनों ने ये कदम उठाया, जिसके चलते अब बीजेपी सरकार को कांग्रेस ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, गुजरात भाजपा सरकार की विफलता का ये आलम है कि सूरत में मजदूर जिंदगी गंवा रहे हैं और घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार की तरफ से मदद पहुंचाने के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, तथा कथित गुजरात मॉडल की हकीकत देश के सामने आ रही है। आपको बता दें, देश भर में लागू तालाबंदी में फंसे लोगों की हालत का अंदाजा एक गैर सरकारी संगठन स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी स्वान के की एक सर्वे से मिलता है। ये सर्वे तालाबंदी के पहले चरण की अवधि यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 11,159 प्रवासी श्रमिकों पर किया गया है। 15 अप्रैल को जारी की गए सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया, 14 अप्रैल तक 89% प्रवासी श्रमिकों को उनके एम्प्लॉयर ने वेतन का भुगतान नहीं किया है, जबकि 96% सरकारी राशन से भी महरूम है। ऐसे में साफ है कि लोग अपने जीवन से हताश हो चुके हैं और मजबूरन ये कदम उठा रहे हैं, और विपक्ष सरकार की आंखें खोल रहा है। ऐसे में विपक्ष के इन तल्ख तेवर पर बीजेपी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।